और यहाँ पर मेरा इंटरव्यू है दुनिया के सबसे पावरफुल मैन, जहाँ से शुरुआत की थी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद है पूरा स्वच्छ भारत अभियान, वो यहाँ से देखता है। सो ये है इतिहास वडनगर का, 5000 साल पुराना, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल। यहाँ पर एक ओपन थिएटर भी है। પોતાના ધર્મનો ત્યાગ ના કરવો પડે અને મુગલ સલ્તનતમાં ના જવું પડે એ માટે બંને બહેનો એમની જન્મભૂમિ પર એમનું આત્મ બલિદાન આપ્યું। એન્ડ મોદી જી કા ગાંવ હે ગાઈસ, તો એક વાર તો વિઝિટ કરના ચાહીએ, ઓર ડેવલપ ભી હો રહા હે। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग निकले थे अहमदाबाद क्रिएटर मेस से वडनगर की ओर। अभी मैं हूँ वडनगर, मोदी जी का गांव। जी गाइस, यहाँ पर मोदी जी का बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ था, एंड यही जगह है जहाँ पर मोदी जी ने स्टेशन पे चाय बेच के शुरुआत की थी। और यहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, किसके साथ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये है गुड टॉक्स की ऑफिस, इनके भी बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और ये इंस्पिरेशनल क्रिएटर्स लोगों को बुलवा के उनका इंटरव्यू लेते हैं। सो आज मुझे इनवाइट किया है गुड टॉक्स की ऑफिस पे। ये है उनके ओनर कैमजो सर, वेलकम। सो ये है गुड टॉक्स के ओनर, एंड आज हमारा इंटरव्यू सेशन होने वाला है। कैमजो सर, शू लागे छे, केवो रहेशे सेशन आज नु? गुड टॉक्स प्लेटफॉर्म ऊपर आपा बदल आपनो खूब आभार। આપણે જાણે જોઈને લોકોને બહુ મોટિવેશનલ મળી રહે, તો આજે વચ્છલભાઈની સ્ટોરી આવી રહી છે, બધાને જોવાની છે। यस, और एक बार इनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है पूरा उनका सेटअप जहाँ पर इंटरव्यू वो कंडक्ट करता है। सो अभी जो नेक्स्ट होने वाला है इंटरव्यू हमारे होने वाला है। वेल, जस्ट हमारा इंटरव्यू कम्प्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा रहा। सर से जानते हैं उनको कैसा लगा। सर क्यों लगा इंटरव्यू हमारा? बढ़िया रहा है, वत्सल भाई ने अपनी जर्नी शेयर की है आपसे। मतलब खास निवेदन है कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो उनके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो प्लीज, और कब कब वीडियो देखने को मिल सकता है सबको? मतलब कमिंग सून है डेफिनेटली। एक बार गुड टॉक्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वडनगर रेलवे स्टेशन, मुझे एक्सप्लोर करना था वडनगर। तो चले अभी शुरुआत करते हैं वडनगर की, कि कहाँ कहाँ हमें घूमने को मिल सकता है। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं वडनगर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत ही पुराना स्टेशन है ये, एक एक्चुअल में हिस्टोरिकल जगह है। ये मेरी फर्स्ट एवर विजिट है वडनगर की, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि भाई दुनिया के सबसे पावरफुल मैन जहाँ से शुरुआत की थी, तो बट ऑब्वियस है कुछ तो स्पेशल है इस धरती में, तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट करेंगे। सो गाइस, ये है वडनगर स्टेशन, एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप देख पा रहे हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को पसंद है पूरा स्वच्छ भारत अभियान, वो यहाँ से दिखता है। अभी तो कम ट्रेन आ रही है, एक दो आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर ट्रेन डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। यहाँ से राजस्थान जो अंबाजी है शक्तिपीठ, वहाँ तक की ट्रेन दौड़ाई जाएगी। सो जैसा कि सर ने बताया कि पहले यहाँ पर एक ही पटरी थी, लेकिन अभी डेवलपमेंट चल रहा है तो अभी 3 लेन हो चुकी है, एंड सूरत एंड वलसाड तक ट्रेन जाती है, साउथ गुजरात कवर करती है। सो अगर आप सूरत हो या नवसारी हो या साउथ गुजरात के कोई भी पार्ट में हो और वडनगर आए, तो आपको सीधा ट्रेन मिल जाएगी। सो डेफिनेटली एक बार विजिट कीजिएगा। एंड अभी सर नेक्स्ट कौन सी जगह जा रहे हैं अपने? ओके, वो है लोकेशन हाटकेश्वर मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है, एंड वडनगर का सबसे पॉपुलर टेम्पल है, जहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर टेम्पल इन द स्टेट। तो चलिए इसको विजिट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगर मंदिर की बात करूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है, आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कुछ यूनिक सा आर्किटेक्चर है, मैंने अभी तक कहीं पे भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा। एंड बहुत ही काम है, पीसफुल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा
कोई भी शोर शराबा नहीं है, गांव के एकदम बीचों बीच मंदिर है। तो डेफिनेटली ये हिस्टोरिकल मंदिर को भी आप जरूर से विजिट कीजिएगा जब भी आप वडनगर आए। सो गाइस, जो मंदिर है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये बड़ा सा आपको दरवाजा मिल जाएगा। तो गाइस, ये जो गेट है वो पुराने जमाने में किले की रक्षाबंदी के लिए यूज होता था कि कोई आक्रमण ना कर दे। और वडनगर वैसे 5000 साल पुराना ये शहर है। तो ये जो है वो ऐसे 6-7 गेट बनाए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये पूरा अभी भी वैसे के वैसा ही है, एकदम रॉ जो बोलते हैं वो आपको यहाँ पर रॉ फील आती है। इवन इनकी डिजाइनिंग है वो भी आपको दिख जाएगी। सो ये है इतिहास वडनगर का, 5000 साल पुराना। और भी जगह आगे एक्सप्लोर करेंगे तो हमें और भी जानकारी मिलेगी। तो गाइस, नेक्स्ट जो आए वो है कीर्ति तोरण। 40 साल पुराना ये तोरण है। तोरण मतलब एक गेट जैसा है जो बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही बड़ा ये गेट है, 40 फीट की हाइट है। कीर्ति तोरण बोला जाता है इसको। यहाँ पे जो मेन देखने लायक है टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आते हैं वो है इसकी कलाकृति, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। स्तंभ अभी तक वैसे का वैसा है जैसा 40 साल पहले था। उस पर जो कारी की गई है वो भी आपको देखने को मिल सके कि उस ज़माने में लोग कैसी कलाकारी करते थे और कलाकारी के थ्रू अपना जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुँचाते थे। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। सो गाइस, नेक्स्ट जो स्पॉट पे आए वो है शर्मिष्ठा लेक, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है ये स्टेट का। यहाँ पर बोटिंग भी होती है एंड यहाँ पर वॉकिंग के लिए पूरी अलग से जगह बनाई गई है। ये पूरा वॉकिंग है वो आप कवर करते पूरा राउंड में आ जाओगे एंड वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर बोटिंग भी है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है एंड एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है यहाँ के लोगों के लिए। वो सैटरडे इवनिंग या तो संडे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ पर आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर अच्छा टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी अभी आए हुए हैं लेक को देखने के लिए। एक पूरी बस आई है वहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का चहल पहल हर टाइम रहता ही है। सो ये है ऊपर से लेक का नज़ारा, पूरा क्लीन पानी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कचरा पड़ा है, नीट एंड क्लीन है। ये जॉगिंग ट्रैक है एंड ये वाला जो है वो है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, यहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं। वैसे ये जो लेक है उसके जस्ट सामने अभी एक काम चल रहा है मुझे बताया गया। सो ये जो है वो सामने वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम जो पूरा यहाँ पर मिला है उनको, खदान में कारीगरी जो भी है वो यहाँ पर रखी जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाने वाली है। सो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट म्यूजियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सून ये ओपनिंग होने वाला है, मोदी जी ही करने वाले हैं डेफिनेटली। यहाँ पर एक ओपन थिएटर भी है, तो जब भी यहाँ पर कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तो स्क्रीनिंग रख दी जाती है। उसके अलावा जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होते हैं, तो ये बड़ा सा ओपन थिएटर भी यहाँ पर मौजूद है। सो एज नेक्स्ट जो स्पॉट पे आए वो है ताना रीरी समाधि। सो बहुत ही डीप डाउन इसमें हिस्ट्री छुपी है, मैं अपने वन आपको बताता हूँ क्या है। एक बार अंदर चलते हैं। ये है समाधि का एंट्री गेट। सो ये है ताना और वो है रीरी की समाधि। सो मैम, थोड़ा इतिहास जनाओ जो आज सूच है ताना रीरी नू एग्जैक्टली इतिहास। नमस्कार, મારું નામ છે પાયલ પ્રજાપતિ, હું અહીંયા ટુરિસ્ટ ગાઈડ તરીકે મારી ફરજ બજાવું છું. હવે તમે અહીંયા આવ્યા તો તમે જોયું હશે બહાર જે નરસિંહ મહેતાની પ્રતિમા મૂકેલી હતી, તો એ માટે કે નરસિંહ મહેતાની દીકરી હતા કુંવરબાઈ, કુંવરબાઈની દીકરી શર્મિષ્ઠા અને શર્મિષ્ઠાની બે દીકરીઓ હતી તાના અને રીરી, જેમના અહીંયા બે સ્મારક છે. અને દર વર્ષે અહીંયા તાના રીરી મહોત્સવનો પ્રોગ્રામ થાય છે, ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતનો કાર્યક્રમ. હવે તાના રીરી ઉપર એવી એક દંતકથા છે, જ્યારે 16મી સદીની આસપાસ મુગલ સલ્તનત હતી, એ વખતે દિલ્હીમાં અકબર રાજાનું શાસન હતું અને અકબર રાજાના દરબારમાં નવરત્ન હતા. હિન્દુ ધર્મ છોડીને એક મુસ્લિમ ધર્મમાં જવું એ પોતાના ધર્મના વિરુદ્ધ હતું અને પોતાના ધર્મનો ત્યાગ ના કરવો પડે અને મુગલ સલ્તનતમાં ના જવું પડે એ માટે બંને બહેનોએ એમની જન્મભૂમિ પર એમનું આત્મબલિદાન આપ્યું, જેથી એમનું માન સન્માન જળવાઈ રહે. અને એ વખતે એમની અંગૂઠીમાં એવું કોઈ રત્ન હતું કે જેમાં ઝેર હતું, તો એમને ચૂસી લીધું અને પોતાનો જીવ ત્યાગ કર્યો. તેમની યાદમાં આજે પણ અહીંયા તાના અને રીરી આ બંને બહેનોના બે સ્મારક બનેલા છે. थैंक यू मैम आटला बधी इन्फॉर्मेशन आपवा माटे. सो अभी हम लोग आए हैं होटल रिजा में. कहा जाता है कि वडनगर के वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर होटल है एंड खाना बहुत अच्छा है और स्टे भी है ऊपर. सो अभी इनका हम लंच ट्राई करेंगे अभी.
गाइस बहुत ही अच्छा खाना था, प्रॉपर गुजराती टेस्ट था। एंड दो दिन के बाद मैंने कुछ अच्छा खाना आज खाया है। आप भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हो अगर वडनगर में आपको कुछ अच्छा प्रॉपर गुजराती खाना खाना है तो होटल रीजा, मैंने एड्रेस डाल लिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो वडनगर में विजिट करने लायक प्लेस है वो मैंने बता दी है कौन कौन सी प्लेसेस है। अगर आप वडनगर का प्लान कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है ये प्लेसेस को आप मिस आउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ इस प्लेसेस को विजिट करनी चाहिए। एंड बहुत ही अच्छी सब हिस्टोरिकल सब कल्चर यहाँ को आपको जानने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेगी। एंड मोदी जी का गांव है गाइस, तो एक बार तो विजिट करना चाहिए, और डेवलप भी हो रहा है। ये वीडियो अब यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं सूरत के लिए, कम से कम हमें लगेगा 7 से 8 घंटे। चलो थैंक यू सो मच सर, हमने आपको वडनगर फरावा माटे अने इंटरव्यू माटे। सो गाइस ये था वडनगर का पूरा ब्लॉग। अगर आप वडनगर का प्लान कर रहे हो तो ये सारी प्लेसेस को डेफिनेटली एक बार विजिट कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर सूरत के लिए, तो मिलते हैं आपको सूरत में। तब तक के लिए बाय बाय।